लाइव फीड से नजर आ रही है एक अतरंगी सी फुटेज। जी हाँ, क्या हो रहा है इस फुटेज के अंदर, क्या मांग रख रही है राखी सावंत, अभिनव शुक्ला क्या क्या बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। राखी चाहती है कि अभिनव पहनाए उन्हें साड़ी। जी हाँ, कल हम लोग ने देखा था, कल जब फैमिली टाइम था, मतलब कल जब एक्चुअली लाइव फीड चल रहा था, तो उसमें रुबीना दिलैया के ग्रीन कलर की बहुत प्यारी साड़ी पहनी हुई थी, जिसको पहनाने में कहीं ना कहीं अभिनव ने उनकी हेल्प की थी। तो यहाँ पर राखी चाहती है कि अब अभिनव उनको भी साड़ी पहनाने में हेल्प करे। ये तो बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है सेकेंड वाइफ का ड्रामा, और अभिनव के पीछे पड़ चुकी है कि मुझे तुम ही साड़ी पहनाओगे। रुबीना दिलैया ये सुन के शॉक्ड है, वो कहने लगी कि अरे मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ साड़ी पहनाने में, अभिनव आपको समोसा खिला देंगे। लेकिन राखी सावंत नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि अभिनव ही उन्हें साड़ी पहनाएंगे। भाई बड़ी दुविधा में फंसे हैं अभिनव शुक्ला, यहाँ पर कैसे पहनाएंगे राखी सावंत को साड़ी, क्योंकि वो तो गिव अप नहीं करने वाली है, वो उनके आगे पीछे घूम रही है, साड़ी तो मुझे वही पहनाएंगे। और अभिनव ने उनको समोसा ऑफर किया उसके रिटर्न में कि नहीं साड़ी आप किसी और से पहन लीजिए या खुद से पहन लीजिए, मैं आपको समोसा खिला देता हूँ। राखी सावंत सेटल होने का नाम नहीं ले रही है यहाँ पर। राखी सावंत को अगर साड़ी पहननी है तो अभिनव के हाथों ही पहननी है। और कल के एपिसोड में हमने देखा था किस तरीके से वो कह रही थी कि अभिनव को वो चुरा ले, अभिनव के आगे पीछे घूम रही थी, उनके साथ बर्तन धोने को भी रेडी हो गई थी, जिसका मजा जो है निकी तंबोली को मिल गया था। ऐसे में क्या राखी सावंत की दीवानगी सर चढ़ बोल रही है अभिनव शुक्ला के लिए। यहाँ पर रुबीना दिलैक उनसे पूछती भी है ये अचानक से आपका दीवानापन कहाँ से आ गया अभिनव के लिए, तो वो कहते हैं घर में आया है, नया नया है, बाहर से सोच के कुछ भी नहीं आई थी आने की। वो अर्शिकांत जरूर सोच रही थी कि ये मेरा होगा, लेकिन भाई राखी सावंत को तो घर के अंदर आके अभिनव इतने पसंद आ गए हैं कि अब अभिनव से दूर नहीं हो पा रही है राखी। बड़ा मजा आ रहा है हमको तो लाइव फीड देखने में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में, आइए करते हैं कॉमेंट सेक्शन में बातचीत। हमारे साथ जुड़े रहिए एंटरटेनमेंट की डोजेस के साथ, कई सारी खबरें आपके रास्ते आती रहेंगी।